भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। उसके बाद आचार संहिता लागू किया। आदर्श आचार संहिता के पालन में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के नेतृत्व में शाम करीब 7 बजे शहर के मुख्य क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जाकर आदर्श आचार संहिता का पालन किए जाने के संबंध में लोगों को जागरूक किया। जिले में आदर्श आचार संहिता के विध प्रावधानों का पालन करने का संदेश दिया गया। साथ ही अपील की गई कि क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए। चुनाव संबंधी जारी दिशा निर्देशों का पालन के संबंध में दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारी की कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित कर चुनाव प्रक्रिया और चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के पालन करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक इंद्रनगर द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके बाद शहर के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। हमारी बॉर्डर में क्या चल रही है, आसपास के जितने भी बंदे हैं यहाँ के लोग लगातार बॉर्डर मीटिंग करके हमारे जो स्थायी वारंटी हैं, इसके अलावा जो समस्याएं क्रॉस बॉर्डर चीज़ें हो सकती हैं, उन सबके बारे में जो है काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी एक्शन प्लान बना है। और इस प्रकार की जो स्थिति जो आपने कहा जो है नक्सल गतिविधि या अन्य सभी चीज़ों पर पुलिस लोगों की निगाह रखी जा रही है, चितरंगी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ सोनभद्र से, तो वहाँ कई जगहों पे अपना मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ विशेष तैयारी है। उसके लिए जो है पुलिस के द्वारा भी जो है रेडियो हमारा सिस्टम है उसमें रिपीटर्स लगाए जा रहे हैं, स्टैटिक सेट्स लगाए जा रहे हैं, कई बार जो सोनभद्र कंट्रोल रूम उसमें मदद नहीं जाती, प्लस वहाँ पे अभी पहले से जो है जो सर्विस था जो है मोबाइल सर्विस थैंक यू हमारे द्वारा मतदाता सूची का अंतिमकरण किया जा चुका है। और इसके अलावा जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जो 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे में जो कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई हमारे द्वारा आरंभ कर दी गई है और की जा रही है। इसके अलावा भी जो निर्वाचन के लिए बेसिकली मतदाता सूची की हमारी व्यवस्था है, मतदान केंद्र भी हमारे निर्धारित है, तो सब तरह से हमें देखा जाए तो हमारे निर्वाचन की सर सिंगरौली जिला कई राज्यों के का बॉर्डर भी है और मनी पावर हो या फिर नशे की चीज़ें उन पर कैसे कंट्रोल पाएंगे? ये देखिए अभी है ना, आपने देखा है कि लगातार मतलब इसके साथ द्वारा कार्रवाई करवाई जा रही है और वो कार्रवाई लगातार जारी है और उसके द्वारा जो भी निर्वाचन के समय भी जारी रहेगी तो इस तरह की स्थिति आएंगी नहीं। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी चूँकि निर्वाचन नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी हमारे साथ बॉर्डर मीटिंग हो गई है, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत हो गई है और सब चीज़ों पे कार्रवाई मतलब कार्य योजना बना दी गई है, इस तरह की कोई भी स्थिति रहेगी उस कड़ी कार्रवाई की। सर कभी कभी ये देखा जाता है कि प्रशासनिक कर्मचारी भी और किसी पार्टी विशेष के प्रचार देखिए जो 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 भी इस तरह से इंडिविजुअल केसेस आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, निर्वाचन जो भी आचार आदर्श आचरण संहिता के और जो शासकीय नियम होते हैं उसमें कोई उल्लंघन करेगा तो उसको करेगा। तो क्या माना जाए सिंगरौली प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।